हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ कोरमा, बादामी कोरमा। ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, तेल में प्याज लाल करके मैंने निकाल ली थी। एक कप दही ली है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। एक चम्मच में इसमें पिसी लाल मिर्च डालूंगी। आधा चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच हल्दी और एक चम्मच डालूंगी मैं इसमें कोरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले लें। मैं ये शान का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस ये एक चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें मैंने ये थोड़ा सा गरम मसाला और तेजपात लिया है, ये मैं शामिल कर दूंगी। डेढ़ चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। बस थोड़ा सा कलर आने तक इसको मैं अदरक लहसुन के साथ भूनूंगी। ये देखिए, यहाँ अदरक लहसुन में मैंने गोश्त को भून लिया है और अब मैंने ये जो दही में मसाला डाल के रखा था, अब मैं ये इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको भूनूंगी थोड़ा सा। और ये मैंने लिया है ग्रेटेड जो है नारियल, इसको मैं एंड में डालूंगी और इसको जो है मैं थोड़े से दूध में इसका पेस्ट बना लूंगी। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल के गोश्त को गलने के लिए रख दूंगी। जब गोश्त गल जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, देखें गोश्त हमारा गल गया था और मैंने इसकी पतीली चेंज कर दी है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। ये मैंने दो लाल प्याज ली थी, दो लाल प्याज करी थी, इसको मैंने क्रश कर लिया है। ये शामिल कर दूंगी मैं इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। और ये मैंने जो है ग्रेटेड नारियल जो लिया था, थोड़ी सी मैंने बलाई के साथ जो है इसका पेस्ट बना लिया। आप दूध भी डाल सकते हैं, बलाई भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दो चार मिनट के लिए रख दूंगी। फिर मैं इसमें नारियल और दूध का जो बैटर बनाया है मैं वो इसमें शामिल करूंगी। चलिए जी, देखें जो 5 मिनट इसको हो गए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैंने जो नारियल और ये दूध का बैटर था, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चलिए जी, देखिए मैं इसको सिर्फ
दो तीन मिनट में इसको पकाऊंगी। उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसकी ग्रेवी थोड़ी जो है ये और गाढ़ी हो जाएगी। चलिए जी देखें, बस ये जो है हमारा डन हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम शामिल करूंगी। ये मैंने 8-10 बादाम लेकर जो है बॉईल करके अपन गर्म पानी में, इसके बीच में से मैंने 2 कर लिए थे इसको। बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2-3 मिनट में इसको बस कुक करूंगी, उसके बाद मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। पानी की जगह आप 1/2 कप दूध भी इसमें डाल सकते हैं। चले मैं आपको थोड़ा सा दूध डाल के इसमें दिखाती हूँ। इससे जो है दूध से इसका कलर बहुत ही प्यारा हो जाता है। मैंने थोड़ा सा इसमें दूध भी शामिल कर दिया, देखें। अब बस इसको मैं 2-3 मिनट पकाऊंगी, फिर डिश आउट करती हूँ। चलें जी देखिए, 2-3 मिनट हो गए, मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैं इसको जो है डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये भी थोड़ी इसकी ग्रेवी जो है और थिक हो जाएगी, ठंडा होने के बाद जो है ये और थिक हो जाएगी।